अपने हाथों में बीन लिए हुए बजाते हुए दिख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर स्नेक्स डांस कर रहे हैं। ऐसे सीन क्या आपने अपने मोहल्लों में एरिया में देखा है? आपने जरूर देखा होगा। और क्या आप इन लोगों को क्या कह के पुकारते हैं ये भी आप जानते होंगे। एक बार विचार करिए और बताइए। हाँ, हम इन्हें क्या कहते हैं? सपेरा। हम इन्हें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सपेरा बोलते हैं। एंड इन अदर लैंग्वेज और इन इंग्लिश वी कॉल देम स्नेक चार्मर्स। ओके, सो लेट अस सी, इज देयर एनी कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग दिस जॉब? लेट अस सी। आई एम आर्यनाथ, आई एम अ स्नेक चार्मर। आई एंटरटेन पीपल विद स्नेक्स। आई नो टू प्ले द बीन एंड मेक द स्नेक डांस। I learned this art from my father and grandfather. Our community is called Kalbelias. See, there is a community Kalbelias and their work is to catch snakes and entertain people by playing the bean. Basically, the instrument played by these people is called bean. They used to play the bean and snakes are trained for dance. And by doing this, they earn money or whatever the things people used to give them. Okay, तो ये community क्या करती है? Basically ये काम करती है और अपना गुजारा इन्हीं कामों से करती है. Okay, there is a line. I learned this art from my father and grandfather. The new boy in the family, what he is doing? He is learning this art, the art of playing the bean and training the snake for dance. He has learned from his father and grandfather. ये जो कला है ये इसने किससे सीखी है? अपने grandfather से और अपने father से. ऐसी चीजें हम हमने देखा है. क्या होता है? जो आर्ट आपके फादर को आता है या जो उनमें कला होती है वो अपने बच्चों को या आपको जरूर सिखाते हैं. वो ऐसे ही इसने आर्ट, ये जो आर्ट ऑफ प्लेइंग द बीन एंड ट्रेनिंग द स्नेक फॉर डांस, ही हैज लर्न फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड फादर. Okay, let us see the next page. Grandfather tells. Now see what the Aryanath's grandfather told him. When I open bamboo basket, people gather to watch snakes. They give me rice, pulses and food at the end of the snake show. Okay, whenever his grandfather perform or play the bean or make the people entertain, people used to give them rice, pulses and food. जो भी लोगों के पास available रहता है वो उनके entertain करने के behalf में उनको वो चीजें देते हैं. अच्छा, आप देख सकते होंगे बच्चों कि जो snake है किसमें रखा जाता है? Bamboo basket में. इस basket में क्या होता है? Proper ventilations होते हैं, इसमें gap रहते हैं जिससे क्या होता है, snakes को भी क्या मिलती है? Air मिलती रहती है और वो इसमें ठीक से रहता है. Our other work. Let us see this community do some other works also and what are the works are. We not only entertain people but also give them medicines after collecting some herbs from the forest and heal some of their illness. Second point, we know to identify which snake has bitten the people. Third bulletin, we know how to remove the venom from body of people beaten by. This community has their own problem. There are many laws by government and ban on them for catching snakes. Let us see why this happened. Some people catch snakes and catch the snakes for their venom. Some people kill the snake and sell their skin at high price. To put an end this practice, our government has made a law to ban the catching of snakes and keeping them in houses for entertainment. लोगों ने अपने मतलब के लिए स्नेक्स को मारना शुरू कर दिया, उनके जहर और उनके स्किन के लिए, क्योंकि स्किन का और जहर का यूज काफी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होते हैं, तो वो उन्हें किल कर देते हैं और किल करने की वजह से इनकी संख्या में काफी कमी आई. तो गवर्नमेंट ने इन पे लॉ लगाया, लॉ इसलिए अलग बनाया ताकि लोग ये स्नेक्स को कैच ना करें और उनका एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज ना कर सके. अगर कोई इंसान स्नेक्स को कैच करता है, अपने घरों में रखता है और उनसे एंटरटेनमेंट करता है तो ये इनलीगल है. ठीक है, ये हमारी जब गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी के ऊपर लॉ लगाया या इनके ऊपर बैन लगाया, इनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए. ठीक है, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए. फियरिंग द पनिशमेंट, वी हैव लेफ्ट आवर स्नेक चार्मर्स वर्क
एंड नाउ वी एंटरटेन पीपल विथ आवर इंस्ट्रूमेंट. वी प्ले द इंस्ट्रूमेंट तुम्बा बीन ढोल कांजरी. आवर पार्टी इज कॉल्ड बीन पार्टी. जब स्नेक चार्मर्स के ऊपर इतने सारे लॉ लगाए तो इन्होंने क्या किया, अपना वर्क थोड़ा चेंज किया. अब ये स्नेक्स कैच नहीं करते और उनसे एंटरटेनमेंट नहीं करते. अब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज करते हैं, तुम्बा बीन ढोल कांजरी. और इस पार्टी को, इस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या लोग बोलते हैं, बीन पार्टी. इस पार्टी को बोला जाता है बीन पार्टी. लेट अस डिस्कस सम मोर पॉइंट्स. द स्नेक्स आर venomous and dangerous to all. Why does our government ban the catch of capturing and killing the snakes? The reasons are, the snakes are endangered animals. They are being killed by man every day. That their number is becoming less. It affects the equilibrium in nature. Agar law, aapne socha hoga ki snake kya hai, zehreela janwar hai. Agar उस पे बैन लगाया तो बैन क्यों लगाया गया है. देखिए हमारे अर्थ पे हर चीज में बैलेंस होता है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी जानवर हो, इस अर्थ पे एक बैलेंस बना है. अगर एक सर्कल से, अगर हमारे लाइफ सर्कल से या इस सर्कल से एक भी जानवर गायब होता है तो अर्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है या हमारे लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ता है. इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन पे बैन किया गया. अगर क्या क्या लोग अपनी मतलबों के लिए क्या करते हैं, इनका यूज करते जाते हैं, इन्हें मारते जाएंगे तो इनके नंबर्स पे कमी होती जाएगी. और काफी मात्रा में इनमें कमी आ भी गई थी जब तक गवर्नमेंट ने इनमें लॉ नहीं लगाया लोगों के ऊपर. तो जब अगर ये गवर्नमेंट ने लॉ लगाया है, मतलब हमें बैलेंस बनाए रखना है अपने अर्थ के लिए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं. सेकेंडली आवर गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलराइज द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग वीनम ऑफ स्नेक्स फॉर एंटी वीनम प्रिपरेशन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी एंड नॉट बाय इंडिविजुअल स्नेक चार्मर्स. जो स्नेक में, स्नेक के जरिए जो जहर मिलता है, ये काफी मेडिसिनल चीजों में यूज होता है. और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये लोग प्राइवेट या जो स्नेक चार्मर्स है वो इंडिविजुअल्स को ना सेल करें और इसे गवर्नमेंट ही सेल करे, ताकि लोगों को सही मात्रा पे या सही रेट पे लोगों को अवेलेबल हो, ना कि स्नेक चार्मर्स के जरिए अवेलेबल हो. ठीक है बच्चों, ओके लेट अस सी सम अदर पॉइंट्स. आर्यनाथ, यू नो ऑल अबाउट स्नेक्स. Which are poisonous, which are not poisonous, what are fangs in snakes, how to remove the fangs, and you must go to city and share this knowledge with all the children of your age. Okay, let us discuss this point. Some are poisonous snake and some are non-poisonous snakes. Har snake poisonous nahi hota ya har snake non-poisonous nahi hota. To hum isme se kuch aaj hum dekhenge, कौन से स्नेक पॉइजनस होते हैं और कौन से स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं. पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया आर रसल वाइपो, कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपो एंड द कॉमन क्रेट. आप इसमें फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपको हर जो पॉइजनस स्नेक जो इंडिया में फाउंड होते हैं उनके कुछ यहाँ पर फोटोग्राफ्स लिखे हैं और उस पर नाम भी लिखे हैं. आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. क्या आपने कभी ऐसे स्नेक्स अपने एरिया में या अपने आसपास देखा होगा? आप देखते होंगे, अब आप रिकॉग्नाइज भी कर जाएंगे कि कौन सा स्नेक और उसका नाम क्या है. द पॉइजनस स्नेक हैव फंग्स थ्रू विच द वीनम इज पास्ड टू द प्रे. ओके, बेटा फंग्स क्या होता है? फंग्स जो उसके लंबे दांत, जो स्नेक के लंबे दांत बाहर की तरफ होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंग्स बोलते हैं. और इसी के थ्रू जहर किसी बॉडी में पास होता है. जब ये किसी जानवर के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर अपने फंग्स गड़ाते हैं तो इसी के थ्रू जहर उसकी बॉडी में पास होता है, दूसरे इंसान की बॉडी में ये पास होता है. किंग कोबरा, द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फियर्ड वन स्नेक इन इंडिया. द किंग कोबरा इज A large and powerful snake. King cobra's skin is either olive green, tan or black. It has faint pale yellow cross bands down the length of the body. The belly is cream or pale yellow and the scales are smooth. People treat king cobra
एस गॉड इन इंडिया। इंडिया में किंग कोबरा को काफी लोग जानते हैं और ये काफी पॉइजनस स्नेक है। कैसा स्नेक है? काफी पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया गया कैसा दिखता है, इसके कलर्स कैसे होते हैं। ऑलिव ग्रीन, या तो ये ऑलिव ग्रीन का होता है, टैन कलर्स होते हैं, ब्लैक, ठीक है। इन कलरों में ये हमें देखने को मिल जाता है। इसके बॉडी पे, इसके बॉडी कैसी होती है, फैन पेल येलो क्रॉस, इसके ऊपर क्या येलो क्रॉस बैंड्स बने होते हैं, ठीक है बच्चों। नॉन पॉइजनस स्नेक्स, अब यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स नॉन पॉइजनस स्नेक्स के लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं और इन्हें रिकग्नाइज कर सकते हैं। स्केयर्स ऑफ साउथ अमेरिका, एक फिगर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्नेक काफी बड़ा है, काफी लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है। कितना बड़ा स्नेक इन्होंने पकड़ा, ठीक है। ये काफी आपको अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। मैन एंड एनिमल्स, मैन कीप मैनी एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट, नेम सम ऑफ देम। बच्चों आपने काफी एनिमल्स को पेट की तरह या उनके घर, लोगों के घरों में आपको दिख जाते होंगे अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या अपने सेफ्टी के लिए, जो भी आप देखते होंगे, जैसे कि मंकी, डॉग, डॉल्फिन्स एंड मैनी एनिमल्स इन सर्कस। आपको सर्कस, अगर आप सर्कस में कभी गए होंगे तो वहां पर आपको काफी एनिमल्स, एनिमल्स भी बर्ड्स भी आपको दिखते होंगे, ठीक है। ये किस लिए है? आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। ये आपके अपने एंटरटेनमेंट, ह्यूमंस ने क्या किया, इन एनिमल्स को अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कैच किया हुआ है। एनिमल्स फॉर अम्यूजमेंट, वी फाइंड एनिमल्स अम्यूजिंग अस इन जू, सर्कस, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, सिनेमाज, अम्यूजमेंट पार्क, रोड प्लेस एंड एक्वेरियम। आपने एनिमल्स को इन जगहों पे अब ह्यूमंस के एंटरटेनमेंट के लिए देखा होगा, जैसे कि जू, आप जब जू गए होंगे तो वहां पे आपने वेरियस एनिमल्स को देखा होगा, सर्कस में भी देखा होगा किस तरह से लॉयंस, मंकी, एलिफेंट्स, व्हाट दे डू, दे परफॉर्म डिफरेंट एक्ट्स टू एंटरटेन पीपल। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क और जो बर्ड सेंचुरीज होती है वहां भी एनिमल और बर्ड्स आपको दिख जाते होंगे, वो जो भी है, और वहां पर लोग क्या करते हैं, लोग विजिट करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे अम्यूज होते हैं, ठीक है। सिनेमा में भी आपने, सिनेमास में भी देखा होगा किस तरह से हॉर्स राइडिंग पे हीरो दौड़ता हुआ आ रहा है बचाने के लिए हीरोइन को, तो ऐसी चीजें हमें देखने को लिए मिलती हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स में देखा होगा आपने, रोड प्लेस में देखा किस तरह से मंकी जंप करता और आप ताली बजा देते हो, एक्वेरियम देखा है, एक्वेरियम में किस तरह से मछलियां क्या करती हैं, एक्वेरियम्स में बहुत सारी कलरफुल मछलियां होती हैं और आपको एंटरटेनमेंट करती हैं, लोगों ने अपने घरों में भी छोटे छोटे एक्वेरियम्स बना के रखते हैं ताकि आपका उनका एंटरटेनमेंट होता रहे। डू यू लाइक इट, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या आपने कभी सोचा है कि उनको क्या ये सब अच्छा लगता है? अगर आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, एक आपको बंद कर दिया जाए, जैसे कि अभी फिलहाल हमारे साथ लॉकडाउन हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? आप इस लॉकडाउन की तरह आप ना बाहर जा सकते हैं, ना आप कहीं आस पास जा सकते हो, किसी घर में नहीं जा सकते, आप बेसिकली क्या हो, एक कैद हो गए हो, एक अपने घर के अंदर, आप चार दीवारी के अंदर कैद हो। तो आप सोचिए, जब एनिमल्स को इस तरह से केज करके रखा जाता है, उन्हें कैसा फील होता होगा, वो किस पेन में होते होंगे, या पार्क में या किसी और जगह जब उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें मार मार के ट्रेन किया जाता है, तो क्या उनको अच्छा फील होता है? आपको सोचना चाहिए। वी डू नॉट लाइक टू बी केज्ड, देन हाउ कैन द एनिमल बी केज्ड बिकॉज मैन हैज इन्वेंटेड दिस मेथड टू ओवरपावर देम। देयर इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके बच्चों। Animal for livelihood. Some of the animals are here and you can see the photographs. ये animals हमारे humans के लिए, humans ने अपने दिन day to day life में use करने के लिए इन्हें, अपने day to day activities में इन्हें use करते हैं, जैसे कि cow है, elephants है, horse है, camel है, fish है, और इन सब animals के बारे में हमने ऊपर। नाग पंचमी, आपने इस त्योहार के बारे में जरूर सुना होगा। इस दिन हम क्या करते हैं, स्नेक्स की पूजा करते हैं और स्नेक को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। हिंदुओं में काफी ये प्रचलित त्योहार है। Let us see. Hindu mythologists are filled with the stories and flavors about snake. The most important being the Sheshnag of Lord Vishnu. It is on the snake that Lord Vishnu relies while sleeping in the sea. Thus, it is quite understandable that a festival
called Nag Panchami is observed in India in the honor of snakes every year in the month of August. In India, snakes are so revered that the temple are also been erected in their honor. There is a particular famous one in Mysore at a place called Subramani. तो इस त्यौहार के बारे में आपने जरूर सुना है, और क्योंकि ये हमारे हिंदूस में क्या होता है, हमारे लॉर्ड जो विष्णु है उनका ये वाहक बोला जाता है, ठीक है। शेषनाग पे आपने एक फोटोज में देखा होगा किस तरह से वो शेषनाग पे सोए हुए हैं, तो इसलिए हिंदूस की क्या है काफी फीलिंग।